अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आरिफ, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आरिफ व्लॉगर। तो जी कैसे आप, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो देखें जी, मैं आ गया सुबह सुबह माशाल्लाह अपने मुर्गी फार्म में, पोल्ट्री फार्म में। इधर जो है ना, हमारी मुर्गी अभी तक बंद है, इसको बाहर निकालना है। ये कुछ हमारी मुर्गी है, ये बाहर में रहती है, निकल आई पहले, क्योंकि ये रहती हैं रात को, चढ़ जाती है छत के ऊपर इधर। तो ये तीन मुर्गी है, एक दो और ये तीन, ये तीनों छत के ऊपर चले जाते हैं शाम के टाइम, फिर रात को जो है ना ऊपर बैठी रहती हैं, इसलिए ये जो है ना फिर सुबह होते ही बाहर नीचे उतर आती हैं। अभी ये देखिए खाना खा रही हैं। मैंने जो है ना अभी बड़ी मुर्गी, जो मुर्गे हैं हमारे गोल्डन मुर्गी और हमारे जो बड़ी मुर्गी है, इसको मैंने अभी तक बाहर में नहीं निकाला। और ये देखे, ये हमारे चूजे माशाल्लाह। अभी जो है ना मैं इनको खाना देता हूँ, और ये खाना भी मैं लेके आया हूँ, क्योंकि ये खाना जो है ना मोटा करने के लिए, मुर्गी की ग्रोथ करने के लिए। और ये खाना जो है ना, इससे जो है ना अंडे जल्दी देती है मुर्गी। अभी मैं ये तीन से चार से पाँच दिन हो गए ये मैं खाना दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक अंडे का इतना, अंडे जो है ना तक अंडे इतना नहीं मिल रहा जितना मिलने चाहिए। हमारी मुर्गी वैसे भी 8-10 जो है ना अंडे रोज के दे देती हैं, लेकिन ये जो खुराक है ये मैं खिला रहा हूँ, इससे जो है ना अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा। और हमारी जो पुरानी मुर्गी, वो नई मुर्गी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 20 दिन तक या 25 दिन तक जो है ना अंडे देना स्टार्ट कर देगी। उसमें कुछ मुर्गी ऐसी है जो अंडे दे रही हैं, लेकिन सारी मुर्गी जो है ना अंडे नहीं दे रही, थोड़ी हैं वो दे रही हैं। सबसे पहले जो है ना, मैं तो आपको ये छोटे चूजे आपको नहीं दिखा दूँ, जिनको मैंने खाना दे दिया, ये माशाल्लाह खाना खा रहे हैं। देखें इनको मैंने जो है ना दाने डाल दिए, खुराक और पानी भी इनका भर के रख दिया, ये पानी भी पियेंगे। अभी ये देखें माशाल्लाह, ये हमारे 1.5 महीने के चूजे हैं जी, अभी 2 महीने के होने वाले हैं। देखिए माशाल्लाह गोल्डन मुर्गी, इसमें थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, बाकी देसी मुर्गी है। इसमें जो है ना मुर्गे भी बहुत हैं, देख सकते हैं आप, अच्छे अच्छे वाले मुर्गे हैं माशाल्लाह। जी अभी ये देखें, ये मैं गोल्डन मुर्गी में आ गया है, इसको खुला करने के लिए बाहर में। पहले जो है ना इनके अंदर की वीडियो बना लेते हैं, देखते हैं माशाल्लाह। तो देखें जी, मैं अपनी अंदर में आ गया गोल्डन मुर्गी के अंदर कुर्फे में माशाल्लाह। ये देखें बहुत ही अच्छे नस्ल के मुर्गे हैं, इसमें मुर्गे भी अच्छी नस्ल के हैं और मुर्गियाँ भी अच्छी नस्ल की हैं। ये देखें इसकी जो है ना आँख थोड़ी ख़राब है, ये देखें माशाल्लाह, ये हमारी मिस्री मुर्गी है जी। और ये मुर्गे चेक करें, और ये इसको देखें, ये मुर्गा, ये जो है ना असील नस्ल का मुर्गा दिखता है मुझे माशाल्लाह। और ऐसे वाली गोल्डन मुर्गी जो है ना बहुत ही होती है, पाकिस्तान में भी बहुत पाई जाती है, ये बहुत ही अच्छी नस्ल की होती है, उधर भी पाकिस्तान में भी, इधर भी है, इधर भी हमने इसके अंडे खरीद किए थे, लेकिन हमारे पास गोल्डन मुर्गी पहले नहीं थी, हमारे पास देसी मुर्गी थी। हमने जो है ना अंडे ख़रीद किए थे अपनी मुर्गी ऐसे गोल्डन मुर्गी के, और उसी अंडे से जो है ना ये बच्चे निकलवाए थे। मशीन हमारे पास वैसे भी है, मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया है उसको। और ये देखें, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे थे ना उस वक्त से पाला इनको, अभी इनकी ट्रेनिंग देखें, कहीं भी नहीं जाती दूर। ये देखें मेरे नज़दीक बिल्कुल खड़े हुए हैं ये सारे, ये सफेद वाली मुर्गी। पाकिस्तान में भी ऐसी मुर्गी जो है ना बहुत पाई जाती है गोल्डन मुर्गी, क्योंकि ऐसी मुर्गी बहुत ही अच्छी नस्ल की होती है, फ्रांसी मुर्गी है ये जी। ये अंडे भी जल्दी देती हैं, और इससे जो इसका जो है ना गोश्त ज़्यादा होता है, मोटी भी जल्दी होती है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इनको देखें हमारे ये मुर्गे, चेक करें, अभी ये चेक करें मुर्गा, ये तकरीबन 2 किलो के करीब है ये, अभी भी, अभी ये सिर्फ 4 महीने का है, अभी आप देख सकते हैं। ये बहुत ही, मैंने वीडियो में बहुत देखता रहता हूँ, पाकिस्तानी व्लॉग होते हैं उसमें जो है ना गोल्डन मुर्गी जो है ना बहुत व्लॉग में रखी होती है। ये सबसे बड़ा मुर्गा ये है, ये देखें, ये इसके कद देखें और टांगे देखें इसकी, कितनी बड़ी टांगे हैं हैं। जो है ना इनको बहर में खुला कर देते हैं, आ जाओ अभी, आ जाओ आ जाओ,
ये देखेंगे माशाल्लाह, बहुत ही शौक से खाना खाती हैं ये, जो मैं इनको खाना देता हूँ। ये भी बड़ी मुर्गी को बाहर में निकालते हैं, वरना वो जो है ना सारा खाना खा लेंगी। आ जाओ अभी, पाकिस्तान में मैंने जो है ना ऐसे वाले बहुत मुर्गी देखे हैं, उधर बहुत मुर्गी फार्म होते हैं। हमारे मुल्क में जो है ना बहुत ही ज़्यादा होती है मुर्गी, ये हमारे पास मुर्गी है और ये चूज़े भी साथ में हैं। अभी ये देखें जी माशाल्लाह, हमारी जो बड़ी मुर्गी है ये माशाल्लाह अंडे दे रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ के 10 से 12 अंडे जो है ना, 10 से 12 जो अंडे ना मुझे मिल जाते हैं हमारी ये बड़ी वाली मुर्गी, पुरानी मुर्गी के। और 2-3 मुर्गी ऐसी है जो नए वाली मुर्गी है, वो अंडे दे रही हैं, छोटे अंडे होते हैं। इंशाल्लाह ये जब अंडे देना स्टार्ट करेंगी गोल्डन मुर्गी हमारी, तो बहुत ही ज़्यादा ये फिर, क्योंकि मैं पहले भी ऐसे वाली मुर्गी पहले मैंने रखी हुई थी, हमने तकरीबन हमारे पास थोड़े दाने थे उस वक्त, 5-6 दाने रखे हुए थे हमने, इतने अंडे देती थी ना माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा अंडे देती थी, एक एक महीना आला तुल अंडे देती थी। फिर उसके बाद जो है ना 10-12 दिन जो है ना चुप कर जाती थी, फिर अंडे देना स्टार्ट कर देती थी। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है ना 60 से 70 दाना है सिर्फ गोल्डन मुर्गी का, और बाकी जो देसी मुर्गी है वो तो बहुत है माशाल्लाह, 150-200 करीब है, लेकिन 60 से 70 दाना जो है ना हमारे पास गोल्डन मुर्गी है, जो बहुत ही अच्छी नस्ल की है, प्योर नस्ल है, गोल्डन प्योर नस्ल की गोल्डन मुर्गी है हमारे पास ये माशाल्लाह। चेक कर सकते हैं आप, पहले हम अंडे ख़रीद करके रखते थे, अभी जो है ना मशीन में, अभी जो है ना हम अपनी मुर्गी के अंडे जो है ना वो रखते हैं। पहले हमारे पास मुर्गी अंडे नहीं दे रही थी, पहले जो है ना हमने अंडे पूरे ख़रीद करके रखे थे। और ये गोल्डन मुर्गी जो है ना हमने जो रखी हुई है, इसके भी अंडे हमने ख़रीद किए थे, रखे थे उस वक्त। अभी माशाल्लाह हमारी खुद की मुर्गी जो है ना अंडे दे रही हैं, वो हम मशीन में रखते हैं, और उधर से जो चूज़े निकलवा रहे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह। और ये सारे की सारे मुर्गी जो है ना हमने साथ में रखी हुई हैं, मिक्स करके रखी हुई हैं, हम सिर्फ अंडे नहीं जो है ना अंडे के लिए रखी हुई हैं। अब जब ज़्यादा हो जाएंगे हमारे पास चूज़े तो हम बेच भी सकते हैं, सेल भी करेंगे, और मैं वो वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा जब हम सेल करेंगे, क्योंकि हमारे पास चूज़े अभी भी हैं 2-1.5 महीने के वो खड़े हुए हैं। कुछ चूज़े जो है ना इधर रखे हुए हैं हमने, और ये चकोर हैं कुछ 7-6 दाने, ये जब थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे तो अगर हमारे बाप बोलेंगे तो हम सेल भी करेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। और सेल हम उस वक्त करेंगे जब ये हमारी नए वाली मुर्गी जो है ना सारे अंडे देना स्टार्ट कर देंगी, फिर क्योंकि अंडे फिर हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, फिर जो है ना बच्चे भी ज़्यादा निकलेंगे ना। मैं छोटे चूज़ों को खाना दे देता हूँ, हमारे चकोर हैं वो उनको भी खाना देते हैं। ये खाना है जी माशाल्लाह, इधर जो है ना हमारे चकोर बंद किए हुए हैं, और इस साइड में जो है ना हमारे पास है चूल्हा खड़ा हुआ है, ये देखें मुर्गी का चूल्हा, देखिए माशाल्लाह। इसमें जो है ना कुछ जो है ना 3 दाने तित्री के हैं, तित्री आप देखें ये है, ये वाली ये खड़ी है। तो देखें जी मैंने जो है ना पानी भी रख दिया और खाना भी दे दिया, और खाना जो मैं दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस खाने से, अभी मैं ये सिर्फ 1 महीने के बाद ये चूज़े आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन रोज़ वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन 1 महीने बाद जो है ना इसको देखना आप लोग, 1 महीने तक ये कितना बड़े हो जाते हैं जल्दी। गोल्डन मुर्गी की अगर बात की जाए तो मेरे पास जो हमारे पास जो गोल्डन मुर्गी हमने रखी हुई है, ये देखें ये मुर्गी, ये अभी 4 महीने की है, ये चूज़े माशाल्लाह, अभी ये देखें ये 4 महीने का चूज़ा है, मुर्गा है, अभी देखें इसका वज़न चेक करें 2 किलो के तकरीबन करीब करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। और गोल्डन मुर्गी जो है ना ये 4 या 5 महीने की जब होती है ना, 5 महीने के
में जो है ना अंडे देना स्टार्ट कर देती है। बाकी देसी मुर्गी हमारी जल्दी देती है अंडे, लेकिन ये जो गोल्डन मुर्गी है ये ऐसे करती है, ये साढ़े चार महीने पाँच महीने के अंदर में जो है ना अंडे जो है ना देना स्टार्ट कर देती है। हमारी कुछ मुर्गी हैं जैसे ये बड़ी बड़ी मुर्गी है ना, ये माशाल्लाह अंडे दे रही हैं इसमें से कुछ, लेकिन सारी अंडे नहीं दे रही क्योंकि ये थोड़ी जब बड़ी ज़्यादा हो जाएंगी फिर देखना इसमें मुर्गे क्योंकि बहुत हैं, ये मुर्गे फिर हम जो है ना अलहदा करेंगे, सारे मुर्गे हम मुर्गी में नहीं रखेंगे, अलहदा कर देंगे इन सबको। अभी जो है ना मैंने इनको खाना भी दे दिया और पानी भी दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह सबको। देखें जी हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।